स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं समझ लो। पहले सबसे पहले अपन इसमें बात करेंगे कि जो एटम है उसकी हिस्ट्री क्या है, कहाँ कहाँ से एटम के बारे में ये डिस्कवरी हुई, कहाँ कहाँ से किस किस ने अपनी अपनी थ्योरी दी, ठीक है। तो एक एक करके पढ़ेंगे सभी चीजें, और लास्ट में जो थ्योरी है जो अभी तक चल रही है, मैक्सिमम थ्योरी जो आई थी उनमें से ज्यादातर फेल भी हो चुकी है, ठीक है, उनको अपन बस पढ़ते हैं ऐसे ही, लेकिन वो यूज नहीं होती, लेकिन उनमें से जो एक थ्योरी है वो अभी भी चल रही है और उसका अभी भी रिसर्च भी चल रही है, ठीक है। सबसे एडवांस थ्योरी एक ही थ्योरी है, सबसे लास्ट में उसी को पढ़ेंगे, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें, स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट क्या होता है, ठीक है, क्वांटम नंबर क्या होते हैं, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे रहते हैं, ठीक है, उनका ऑर्बिटल मतलब शेप कैसा होता है, ये सब सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सबसे पहले अपन बात करते हैं, डाल्टन की थ्योरी बात करेंगे इसमें भी, डाल्टन थ्योरी, ठीक है, हेडिंग डालो नेक्स्ट। फर्स्ट है चैप्टर में पढ़ चुके हैं, यहाँ पे वो सबसे रिवाइज कर रहे हैं। तो डाल्टन ने क्या बोला था, देख लो फटाफट से, ऑल एटम ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ, ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम, ठीक है, बहुत छोटे छोटे पैटर्न से मिलके बना हो तो इसको अपन क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल, आर आइडेंटिकल इन शेप एंड साइज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट ठीक है। अच्छा इसी पॉइंट पे इसका ड्रॉबैक भी है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन शेप एंड साइज, नहीं होते, फॉल्स स्टेटमेंट, यही इसका ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या ऐसे बोल सकते हैं, ये इसका एरर है, ठीक है, उसने उस टाइम पे इतना नहीं सोचा था, तो ये एक एरर है इसका। क्यों एरर है, अपन एक चीज पढ़ चुके हैं आइसोटोप, नाइन्थ टेंथ क्लास में पढ़ चुके हो। तो आइसोटोप क्या होता है, ऐसे एटम जिनके एटमी नंबर सेम होते हैं लेकिन एटमी मास डिफरेंट होता है, जब एटमी मास डिफरेंट है तो उनका शेप एंड साइज भी अलग अलग होगा, ठीक है। तो ये एक एरर है उसका, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड nor be destroyed, means atom is indestructible, ठीक है, उसको हम destroy नहीं कर सकते, create भी नहीं कर सकते, ठीक है, ये point हो गए। और क्या बोल सकते हो, in any chemical reaction simply rearrangement of atom takes place simply takes place, ठीक है, लो नोट डाउन करो फटाफट से, ठीक है, करो नोट फटाफट। ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम, सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन शेप एंड साइज, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट, एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन सिंपली रीअरेंजमेंट ऑफ एन एटम टेक्स प्लेस, ठीक है। एक पॉइंट और है इसको, वो भी लिख लेते हैं अभी। एक पॉइंट क्या है कि अगर कोई कंपाउंड बनता है, इन फॉर्मेशन ऑफ एनी कंपाउंड फिक्स मास ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस, मतलब अगर कोई भी कंपाउंड बनेगा वही है डेफिनेट मास, जो अपना लॉ पढ़ते हैं फर्स्ट 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 चैप्टर में जो लॉ पढ़ा था, अगर कोई भी कंपाउंड बनाएंगे हम
तो उसमें एक एटम का एक फिक्स मास रेशियो होता है, ठीक है, तो वो सब पढ़ चुके हैं अपन, ठीक है। तो ये डाल्टन थ्योरी कोई नया नहीं है, बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो। चलो तो उसका एक नेक्स्ट एक पॉइंट बाकी है, उसको भी लिख लेते हैं। क्या है, इन एनी केमिकल कंपाउंड, इन एनी केमिकल कंपाउंड एटम कंबाइन इन कंबाइन इन अ फिक्स्ड मास रेशियो, ठीक है। और इसका एरर क्या था वो भी लिख लेते हैं। एरर, एटम ऑफ सेम एलिमेंट मे बी डिफरेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आइसोटोप, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट मे बी डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल आइसोटोप, अगर आइसोटोप की बात कर रहे हैं तो वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक है। नोट करो इसको। हाँ ठीक है, मैं ये सेंड कर दूंगा बाद में, ठीक है, अभी नोट कर लो। चलो तो ये डाल्टन थ्योरी बहुत सिंपल है, डाल्टन थ्योरी सभी को क्लियर है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट। तो थ्योरी, अब बहुत सारी थ्योरी है, तो उन थ्योरी को पढ़ने से पहले हम एक चीज के बारे में बात करेंगे, वो है डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। तो फंडामेंटल पार्टिकल क्या होते हैं, जो टाइनी पार्टिकल होते हैं, मतलब जिसको अपन फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब जिन चीजों से मिलके ही बाकी सारी चीजें, वही इनको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, मेजॉन, बोजॉन, ये सब क्या है, ये सारे के सारे फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। क्यों, ये टाइनिएस्ट पार्टिकल है, इनसे छोटा कोई पार्टिकल नहीं होता, इसलिए इनको क्या बोलते हैं अपन, फंडामेंटल पार्टिकल, ठीक है। तो बात करेंगे अब डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। तो नेक्स्ट हेड डाल लो, डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल, डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल, ठीक है। तो सबसे पहला है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें भी बात करेंगे पहले कैथोड रे एक्सपेरिमेंट की, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, ठीक है। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट एक डायग्राम है, और ये जो एक्सपेरिमेंट किया था वो जे जे थॉमसन ने किया था, ठीक है, जे जे थॉमसन ने। एक्सपेरिमेंट बहुत सिंपल है, डायग्राम बना लो साथ साथ में। इन्होंने एक वैक्यूम चैम्बर बनाया एक ट्यूब के अंदर, ठीक है, उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड लगाए, ठीक है, ये मेटल इलेक्ट्रोड है दोनों के दोनों, ये क्या है अपना इलेक्ट्रोड, और देखो ये बैटरी होती है, बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है, तो सो पॉजिटिव टर्मिनल इज कॉल्ड, पॉजिटिव टर्मिनल इज कॉल्ड एनोड, एंड नेगेटिव टर्मिनल इज कॉल्ड कैथोड। ये अपने को पता है, यहाँ पे जो वोल्टेज लगाया है इट इज वेरी हाई वोल्टेज, वेरी हाई वोल्टेज, ठीक है, प्रेशर इज वेरी लो, वेरी लो प्रेशर। प्रेशर को लो इसलिए रखते हैं कि अगर यहाँ पे अगर थोड़ी बहुत भी कोई गैस है तो वो गैस के मॉलिक्यूल आपस में कोलिजन ना करें, आपस में टकराए ना, इसलिए प्रेशर क्या लेते हैं, ऑलमोस्ट वैक्यूम होता है, थोड़ी बहुत गैस लेते हैं, ठीक है, वेरी लो प्रेशर। और यहां पर, यहां पर पीछे की साइड में, ठीक है, ये जिंक सल्फाइड का लेप किया जाता है, जिंक सल्फाइड इज अ फ्लोरोसेंट मटेरियल, फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है ये, ठीक है,
व्हाट इज फ्लोरोसेंट मटेरियल, क्या होता है समझ लो। फ्लोरोसेंट मटेरियल एक ऐसा मटेरियल होता है कि जिससे अगर कोई एनर्जी पार्टिकल स्ट्राइक करे तो वो ग्लो करता है, ठीक है। कोई अगर एनर्जी पार्टिकल स्ट्राइक करे तो क्या करेगा, वो ग्लो करेगा, तो अपने को पता चल जाएगा कि कुछ एनर्जी पार्टिकल वहां पे स्ट्राइक करा है। तो ये डायग्राम बना लो, हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं, प्रेशर को बहुत लो रखते हैं, एनोड और कैथोड लिया है, और एनोड के पीछे की साइड में फ्लोरोसेंट मटेरियल या फिर इसको पूरे में भी फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम है, बना लो फटाफट। ठीक है, फ्लोरोसेंट मटेरियल लगाया है यहाँ पर हमने जिंक सल्फाइड का, और भी बहुत सारे होते हैं ऐसे, तो ये याद रखना फ्लोरोसेंट मटेरियल क्या होते हैं, विच ग्लोज व्हेन एनी एनर्जेटिक पार्टिकल स्ट्राइक। तो ये अपना कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, अब देखो समझ लो इसमें होता क्या है, समझा देता हूँ पहले बाद में लिखते हैं। जब हम बहुत हाई वोल्टेज यहाँ से लगाते हैं, ठीक है, तो इस साइड से इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन इस साइड में चलना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों, देखो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो, क्योंकि ये क्या नेगेटिव, तो नेगेटिव में मतलब यहाँ पर एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अगर यहाँ पर एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, तो इस साइड क्यों जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने पॉजिटिव चार्ज लगा रखा है और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ को अट्रैक्ट होते हैं, तो यहाँ से जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो किधर की तरफ को भागेंगे, यहाँ। क्यों, बहुत ही हाई वोल्टेज है, जब बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज है तो बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा, ठीक है, उस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन कहाँ खिसते चले जाएंगे, इस साइड में, ठीक है। 10th क्लास में तुमने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आई थिंक पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के बीच में, तो उस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन इस साइड में खींचेंगे। अब वो खींचेंगे तो अपने को दिखाई थोड़ा ना दे रहे हैं, कब दिखाई देंगे, जब वो इलेक्ट्रॉन इस लेयर को स्ट्राइक करेंगे तो यहाँ पे ग्लो दिखता है अपने को, जैसे ही इलेक्ट्रॉन ग्लो यहाँ पर स्ट्राइक करेंगे तो अपने को क्या दिखेगा, ग्लो। वो ग्लो दिखा तभी जज थॉमसन को पता चला कि कुछ पार्टिकल यहाँ से इधर आ रहे हैं, समझ में, अभी यहाँ से पार्टिकल पीछे तो जाएंगे नहीं, ठीक है, तो ऑब्वियस लॉजिक क्या लगाया कि यहाँ से कुछ पार्टिकल निकल रहा है, वो पार्टिकल इस साइड से इस साइड की तरफ को जा रहे हैं, और यहाँ पर जो हमने लेयर लगा रखी है उस लेयर से जैसे ही वो स्ट्राइक करे ग्लो आ गया, दैट मीन्स। अब उन्होंने एक और कंक्लूजन निकाला, ठीक है, बाद में, ये जो पार्टिकल है वो कैथोड की साइड से निकल रहा है, इसलिए उन्होंने उसका नाम क्या रख दिया कि इसको अपन कैथोड रे बोलते हैं, क्योंकि वो कैथोड से निकल रही है और कैथोड से कदर जा रही है एनोड की तरफ को, तो कैथोड रे बोलेंगे। दूसरी चीज, उनका चार्ज कैसे होगा, अगर मान लो तुम यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट और निगेटिव प्लेट, मतलब एक अलग से एक और बैटरी लगा दी, ऊपर की साइड में पॉजिटिव प्लेट, नीचे की साइड में निगेटिव प्लेट, तो वो जो पार्टिकल होते हैं वो पॉजिटिव की तरफ को बैंड हो जाते हैं, दैट मीन्स कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज। लॉजिक समझ में आ गया, जब हमने दोनों साइड पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स लगा दी, मतलब एक बैटरी लगा दी, तो कैथोड रे बेंड्स टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, इसका क्या मतलब है, कैथोड रे अगर पॉजिटिव प्लेट की तरफ को बैंड हो रही है, इसका मतलब कैथोड रे के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तभी तो बैंड हो रही है, ठीक है। तो ये इनका एक्सपेरिमेंट है, एक एक करके सारे पॉइंट्स लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये मिटा देता हूं मैं, तो ऑब्जर्वेशन क्या क्या है उनके, देखो फर्स्ट पॉइंट लिखो, कैथोड रे ट्रेवल फ्रॉम कैथोड टू एनोड, ठीक है, कैथोड से एनोड की तरफ को मूव करती है। सेकंड पॉइंट, कैथोड रे bends towards positive plate in electric field, उस बैटरी को जो बोलते हैं अपन इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है, इन इलेक्ट्रिक फील्ड, this shows that कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ
नेगेटिव चार्ज कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, ठीक है. कैथोड रे वेंट्स टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट इन इलेक्ट्रिक फील्ड दिस शोज दैट कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, कैथोड रे पजेस काइनेटिक एनर्जी, एंड मास, ठीक है. मास भी होता है और काइनेटिक एनर्जी होती है. ये कैसे पता चला? अगर कैथोड रे के पास में कोई व्हील रख दे हम, तो व्हील रोटेट करने लग जाता है. तो रोटेट करेगा क्यों? क्योंकि उनके अंदर मास है, वो स्ट्राइक करेंगे. अगर कोई चीज है तेजी से आ रही है, ऐसे जा रही है, तुमने कुछ रख दिया, जब स्ट्राइक करेगी तो वो चीज बैंड होने की टेंडेंसी होगी इसकी. तो इसका मतलब क्या है? उसके अंदर मास होता है और काइनेटिक एनर्जी भी होती है, ठीक है. तो कैथोड रे वर्सेस काइनेटिक एनर्जी इन मास. नेक्स्ट पॉइंट, कैथोड रे प्रोड्यूसेस एक्स रे, कैथोड रे प्रोड्यूसेस एक्स रे when these strike with heavy metal, ठीक है. अगर कैथोड रे के सामने कोई हैवी मेटल, हैवी मेटल मीन ऐसा नहीं कि उसके अंदर वजन होता है कि एक दो क्विंटल भर के रख दिया, उसका मतलब हैवी मेटल नहीं है. हैवी मेटल मीन उसका एटॉमिक मास बहुत ज्यादा है, जैसे गोल्ड हुआ, प्लेटिनम हुआ, कोई भी हैवी मेटल जिसका एटॉमिक मास बहुत ज्यादा है. तो अगर कैथोड रे के पास में हम हैवी मेटल रख दें तो वहां से एक्सरे प्रोड्यूस होती है, ठीक है. समझ में? जैसे एग्जांपल देख लो, तुमने यहां पे कोई मेटल रख दिया ऐसे, हैवी मेटल है, तो यहाँ से जो कैथोड रे हैं जब वो इस पर स्ट्राइक करेंगी, ठीक है, तो यहाँ से अपनी एक्सरे बाहर आ जाएंगी, ये ठीक है. तो कैथोड रे के पास में अगर कोई हैवी मेटल रखेंगे, ये है अपना हैवी मेटल, ठीक है. चलो नोट, ठीक है. तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट आई थिंक सभी को क्लियर है, यहां तक कोई डाउट किसी को? बहुत सिंपल है, ठीक. देखो बहुत सिंपल है, दोबारा समझाता हूँ. देखो समझ लो क्या लिया हमने, एक चैम्बर लिया, चैम्बर के अंदर दो इलेक्ट्रोड लगाए, एक कैथोड और एक एनोड, हाई वोल्टेज अप्लाई किया, लो प्रेशर, प्रेशर जो होता है वो 0.18 के आसपास होता है, 0.18 बहुत ही लो प्रेशर रहता है. तो लो प्रेशर क्यों रखते हैं अगर कोई पूछे? तो लो प्रेशर इसलिए रखते हैं ताकि जो उसके अंदर गैस है, थोड़ी बहुत गैस रहती है, बहुत ज्यादा नहीं, नेग्लिजिबल गैस, जो गैस प्रेजेंट है वो आपस में कोलाइड ना करे, ठीक है, गैस के पार्टिकल आपस में कोलाइड ना करें. तो जब हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं चैम्बर के अंदर, तो कैथोड की तरफ से कुछ पार्टिकल निकलते हैं और वो कहाँ को जाते हैं? एनोड की तरफ को, ठीक है. तो कैथोड से निकल रहे हैं इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? कैथोड रे, ठीक है. तो कैथोड रे ओरिजिनेट फ्रॉम कैथोड एंड ट्रेवल्स टुवर्ड एनोड. कैथोड रे के अगर बीच में हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें, इलेक्ट्रिक फील्ड मीन पॉजिटिव प्लेट एंड नेगेटिव प्लेट अगर हमने रख दी बीच में, तो वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ को बैंड हो जाती है. इसका मतलब क्या है? कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है. नेक्स्ट, कैथोड रे, अब देखो ये जब चल रही है तो ऑब्वियस इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी, और कैथोड रे के अंदर मास भी होता है. क्यों? क्योंकि कैथोड रे जो होती है वो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी होती है. बाद में प्रूफ हुआ था, इस टाइम पे प्रूफ नहीं हुआ था कि इलेक्ट्रॉन भी कुछ होता है, ठीक है. इलेक्ट्रॉन कुछ होता है इस टाइम पे नहीं पता था, तब बस उनको ये पता चला था कि कैथोड रे के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है. तो यहाँ पे वैसे चार्ज पार्टिकल जो लिखा है इसको कहना वैसे गलत है. कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज, इतना ही लिख लो, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल नहीं बोल सकते, ठीक है.
तो कैथोड रे के अंदर निगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी इस टाइम पर नहीं हुई थी, और कैथोड रे के पास में हम कोई हैवी मेटल रख दें तो वहां से एक्सरे प्रोड्यूस होती है। ठीक है, एक्सरे के बारे में आई थिंक सभी को पता है, एक्सरे जो कराते हैं वही एक्सरे होता है। फोटोग्राफिक प्लेट पर इंप्रेशन डाल देते हैं, एक्सरे डाल देते हैं, तो कोई भी चीज जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है उसका इंप्रेशन बन जाता है। फोटोग्राफिक प्लेट जो होता है वो एक बहुत ही सेंसिटिव प्लेट होती है। ठीक है, एक ऐसी प्लेट है जिसपे अगर लाइट गिर जाए तो वो पूरा का पूरा ब्लैक कर देती है, तो बस उतना ही हिस्सा बचता है जितने हिस्से में लाइट नहीं पहुंचती और उसी का इंप्रेशन बन जाता है। तो एक्सरे आई थिंक सभी ने देखा होगा। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन ये है, ये एक्सपेरिमेंट तुम लोगों ने 9th और 10th में आई थिंक पढ़ रखा है सभी ने, तो मेरा क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट? इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या था, क्या है बताओ? कंक्लूजन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट क्या है? सर सर यस बेटा बोलो। सर यू हैव गिवन एन एग्जांपल ऑफ एन heavy metal, so yes. you can show the example once again, because when you were telling the voice was not audible to me. Heavy metal means ऐसे अगर अपन इसके अंदर कोई heavy metal रख दें, ठीक है, ऐसे देखो समझो, ये हमने यहाँ पे कोई heavy metal रख दिया, ठीक है, ये हैवी मेटल है, तो यहाँ से कैथोड रे आ रही है, कैथोड रे आएंगी, इस पर स्ट्राइक करेंगी और यहाँ से एक्सरे बाहर निकल जाती है। ये तो ये तुम पढ़ोगे फिजिक्स में, तुम्हारा एक एक्सपेरिमेंट भी आई है 12th क्लास में, आई थिंक पढ़ोगे 11th क्लास में नहीं है, एक्सरे पूरा फिजिक्स के अंदर एक चैप्टर है, उसके अंदर पढ़ लोगे। तो एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होती है, कैथोड रे के पास में हैवी मेटल हम रख देते हैं, उससे एक्सरे प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो हैवी मेटल कोई से भी हो सकता है जिसका एटॉमिक मास बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, और इसके ऊपर ही अपन पढ़ने वाले भी नेक्स्ट चैप्टर, अज इन नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर है पीरियोडिक टेबल, उसमें पीरियोडिक टेबल जो बनी है वो एक्सरे एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर ही बनी हुई है, वो पूरी की पूरी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो अभी हम देखते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चलो क्वेश्चन में बताओ, क्वेश्चन ये है कंक्लूजन ऑफ जे थॉम्सन एक्सपेरिमेंट क्या है? कंक्लूजन ऑफ जे थॉम्सन एक्सपेरिमेंट डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दो तीन बार पढ़ चुके अभी तक। क्या बेटा? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैथोड रे आर मेड अप ऑफ नेगेटिव। बेटा ये कंक्लूजन नहीं है, तो ऑब्जर्वेशन है, ये उसका ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, ये कंक्लूजन नहीं है, ये तो उसने देखा, उसने वहां से कंक्लूड क्या किया, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है इसका, इसकी हेल्प से बाद में बहुत सारी चीजों की डिस्कवरी हुई। ठीक है सर, इलेक्ट्रॉन का कंस्टिट्यूएंट नहीं, ये भी नहीं है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। रिजल्ट भी बोल सकते हैं इसको, रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। अभी अपन करेंगे इसको ड्राइव, वैसे हमारे सिलेबस में दे नहीं रखा है, इसका डेरिवेशन है पूरा। रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट इज EYM वैल्यू। ठीक है, दिस इज 1.75 इंटू 10^11 कूलम पर केजी। ठीक है, this is also called as specific charge, EYM value or specific charge, ये J.J. Thomson experiment का result है। ठीक है, इसका एक बहुत बड़ा derivation है। ठीक है, तो बता देता हूँ, कर लेते हैं, चलो, वैसे NCERT में तो नहीं दिया है, तो ये result है, लिख लो इसको, result of experiment क्या है, EYM value मतलब स्पेसिफिक चार्ज, तो स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू वहां से निकली थी, और इस स्पेसिफिक चार्ज की हेल्प से बाद में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकला था। जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है इस एक्सपेरिमेंट के बाद में, एक मिलिकन था, मिलिकन नाम का एक साइंटिस्ट आई थिंक सभी ने सुन रखा है, तो मिलिकन ने एक अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसको बोलते हैं मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, एनसीईआरटी में दे रखा है,
उसका डायग्राम भी पूरा दे रखा है, लेकिन उसका डेरिवेशन दे रखा है, तो आई थिंक अपने डेरिवेशन को जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन जिसको डेरिवेशन समझना है मैं बाद में समझा दूंगा, जिसको जरूरत पड़े वो पूछ लेना। तो मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट इसको बोलते हैं, उस एक्सपेरिमेंट से उसने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला था, वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू निकल के आई थी 1.6 × 10⁻¹⁹, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻¹⁹ नेगेटिव में। उन्होंने बताया कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव होता है और उसकी जो वैल्यू होती है वो ये होती है। अब यहां से जेजेन थॉमसन के एक्सपेरिमेंट से ई अपॉन एम की वैल्यू आ गई थी और मिलिकन ने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू निकाल ली थी, जब इसको तुम इसमें पुट कर दोगे तो वहां से क्या मिल गया अपने को, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकला था वो बाद में निकला था इन दोनों की हेल्प से, ठीक है। तो अगर यहां से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालोगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ई अपॉन एम वैल्यू, ठीक है। ये जो आया कहां से है, फ्रॉम मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट की अपने को कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, बोर्ड के लेवल के लिए जरूरत नहीं पड़ती। तो मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आया नेगेटिव में −1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, ठीक है, कूलम में चार्ज आ गया। एंड रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या था, ई अपॉन एम वैल्यू, दिस इज 1.75 × 10⁻¹⁹ कूलम पर केजी, दोनों को डिवाइड कर दो तो क्या मिल जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कितना निकल के 9.1 × 10⁻³¹ kg। ये यहां से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है दोनों के, तो ऐसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकला था, वरना फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का कोई तरीका ही नहीं था, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए अपन कोई बैलेंस भी नहीं बना सकते ना, कि जिसमें इलेक्ट्रॉन रख लो और मास आ जाए उसका, ऐसा कुछ है ही नहीं यार, इतना कम मास कौन से बैलेंस से निकालोगे, कोई तराजू नहीं है ऐसी, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस भी ऐसी नहीं है कि जो इतना कम मास को मेजर कर सके, ठीक है। तो अगर ये दो रिजल्ट नहीं होते तो आई थिंक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला भी नहीं जा सकता, अभी भी निकाल सकते इन दोनों की हेल्प के बगैर। तो ये दो रिजल्ट हैं जिससे अपने को पता चला, ये अलग रिजल्ट है, ये है जेजे थॉमसन का और ये किसका है, मिलिकन ऑयल ड्रॉप का, ठीक है, नोट कर लो। देखो ये समझा देता हूँ, ट्राई करता हूँ समझा जाए तो अच्छी बात है, इसका एक डेरिवेशन है, देखो समझ लो, बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है वैसे तो, ट्राई करता हूँ समझाने की। देखो इस एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट का जो डायग्राम है उसमें दे रखा है सीआरटी के नाम से, कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब बोलते हैं, तो एक ऐसी ट्यूब होती है, आई थिंक किसी ने पुराने टेलीविजन देखे हैं, पुराने टीवी जो होते थे उसके अंदर सीआरटी हुआ करता था पहले, अब जो आते हैं वो एलसीडी और एलईडी टाइप के टीवी आ रहे हैं, प्लाज्मा हो गए, बहुत सारे टीवी हो गए अब तो, लेकिन पहले जो आते थे वो सीआरटी टाइप के ट्यूब आते थे, सीआरटी टीवी के अंदर सीआरटी लगा हुआ होता था, इधर स्क्रीन होती थी, ठीक है, यहां से इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है, इलेक्ट्रॉन बीम इस साइड से, और वो इलेक्ट्रॉन बीम ऐसे ऑसिलेट होती थी पूरे स्क्रीन पे, और उस इलेक्ट्रॉन बीम के ऑसिलेशन से इमेज बनती थी, ठीक है। तो वो जो अगर किसी ने अभी देखा हो तो पुरानी टीवी जिनकी पीछे से लेंथ बहुत ज्यादा होती थी, ठीक है, काफी मोटे मोटे जो टीवी है वो मोटे मोटे टीवी सारे के सारे सीआरटी बेस्ड टीवी है, ठीक है। तो अगर किसी के पास टीवी अगर कहीं रखा हो कचरे के डब्बे में कहीं पड़ा हो दे तो कभी देखना, या किसी की दुकान पर जाकर देखना, उनके अंदर ऐसा पीछे अंदर जो इमेज होती है वो इस टाइप की होती है। तो देखो समझ लो, यहां पे हमने एक मैग्नेटिक फील्ड लगाया और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, ये हमने लगा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स बैटरी, ऐसे समझ लो, इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स बैटरी, और एक लगा दिया मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड मीन्स हमने मैग्नेट लगा दिया, ये है अपना मैग्नेट, और ये हमने बैटरी लगा दी, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा अपरेटस तुम्हें दे रखा है डायग्राम में, एनसीआर में दे रखा है, सॉरी, ठीक है। अब देखो समझ लो क्या है, बहुत ही सिंपल है, तो देख के तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या बनाया है, देखो लॉजिक समझो,
जब इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ से जाएगी, क्योंकि रास्ता तो यही है इसका जाने का, जब इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ से जाएगी तो देखो जब यहाँ पहुंचेगी, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बीम आ गई, तो इलेक्ट्रॉन मीन्स अपने को ये तो पता है ना इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ऑयल ड्रॉप से पता चला था, लेकिन उस टाइम में नहीं पता था, लेकिन उसको ऑब्जर्वेशन से पता चल गया था। जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वो इस प्लेट की तरफ को अट्रैक्ट होंगे या ऊपर वाली प्लेट की तरफ को अट्रैक्ट होंगे? ऊपर वाली इलेक्ट्रॉन, ऊपर वाली, ऊपर वाली, ऊपर वाली, ऊपर वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर वाली प्लेट की तरफ को अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो जैसे अपना इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स की जो वैल्यू होती है वो निकालते हैं चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फॉर्मूला होता है, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यू इज चार्ज, ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रिक फोर्स। वैसे ही एक मैग्नेटिक फोर्स भी होता है, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू वी बी, आई थिंक ये तुम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ चुके हो, 10th क्लास वाला फॉर्मूला पढ़ चुके हो ये दोनों। तो मैग्नेटिक फोर्स होता है क्यू वी बी, वैसे तो वेक्टर फॉर्म में इसको क्यू वी क्रॉस बी बोलते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकते हो क्यू वी बी साइन थीटा, लेकिन साइन थीटा की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना ऐसे लगाई है जिससे इलेक्ट्रिक फोर्स, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आया तो उस इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा ऊपर को, एफ ई बोल रहे हैं इसको, दिस इज आर एफ ई इलेक्ट्रिक फोर्स। और मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे सेटअप करो जिससे उस पर मैग्नेटिक फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगे। तो अगर इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लग रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगना चाहिए? नीचे। ये अपना मैग्नेटिक फोर्स है एफएम। क्लियर है सेटअप? समझ में आया? हमने इन दोनों को इस टाइप से सेट किया है जिससे इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लग रहा है, अगर एक का फोर्स अपवर्ड लग रहा है तो दूसरे का फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, वर्टिकली अपोजिट लगने चाहिए। इस टाइप से हमने सेटअप तैयार कर लिया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स नीचे लग रहा है। अब सोचो इन दोनों में से अगर कोई भी एक ज्यादा हो गया, मान लो इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा है, तो जो बीम आ रही है वो किस तरफ को बैंड हो जाएगी? ऊपर की तरफ। जो बीम है ऊपर की तरफ, मतलब उसका जो रिफ्लेक्शन आएगा वो कुछ ऐसे जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। और फिर मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू बढ़ाते चले जाओ तो जो रिफ्लेक्शन ऊपर जा रहा था ऐसे, ऊपर ऐसे ऐसे धीरे धीरे नीचे की तरफ जाना लग जाएगा। ये लॉजिक समझाया? इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ा दिया तो बीम ऊपर चली गई, और मैग्नेटिक फोर्स बढ़ा दिया तो बीम नीचे चली गई। सपोज अगर ये दोनों फोर्स बराबर हो जाएं, तो इलेक्ट्रिक बीम जो आ रही, इलेक्ट्रॉन की जो बीम आ रही है वो सीधी सेंटर पे जाके स्ट्राइक करेगी। लॉजिक समझ आएगा? अगर ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाएं, दोनों फोर्स इक्वल हो जाएं, तो इलेक्ट्रॉन की जो बीम आ रही है वो एकदम सेंटर पे जाएगी। तो पुराने टीवी अगर किसी ने ऑब्जर्व किए हैं, जब उसको स्विच ऑन या स्विच ऑफ करते हैं तो सेंटर में एक डॉट दिखाई देता है इनिशियली, ठीक है। और ये एक्सपेरिमेंट तुम लोग जो आईआईटी या फिर इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए इंजीनियरिंग में जाएंगे, बाद में इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे, तो एक एक्सपेरिमेंट भी कराते हैं। सीआरटी के बहुत बड़े बड़े डब्बे रखे होते हैं, जैसे इसको स्विच ऑन करते हैं ना तो पहले सेंटर में एक डॉट दिखाई देता है, बहुत ही ब्राइट स्पॉट दिखाई देता है। तो ब्राइट स्पॉट का लॉजिक ये है कि इनिशियली ये दोनों फोर्स बराबर होते हैं, क्योंकि पीछे से कोई भी डेटा नहीं आ रहा, उस डेटा के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन बीम ऑसिलेट कराते हैं, ठीक है। तो इनिशियली ये दोनों क्या होते हैं? सेंटर, सेंटर पर होते हैं। तो यहां से क्या बोल सकते हैं? इफ एफ ई इज इक्वल टू एफ एम, अगर एफ ई एंड एफ एम दोनों क्या इक्वल, एफ ई क्या इलेक्ट्रिक फोर्स, एफ एम क्या है मैग्नेटिक फोर्स, तो यहां से क्या बोल सकते हैं? क्यू ई इज इक्वल टू क्यू बी बी, क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से अपने को क्या मिल गया? यहां से अपने को मिल गया वी इज इक्वल टू ई अपॉन बी। बी क्या है? ये है वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वेलोसिटी ऑफ कैथोड रे बोल सकते हो, ये आ गया। अच्छा तुमने एक और फॉर्मुला पढ़ा होगा 10th क्लास में, वर्क डन, इलेक्ट्रिक वर्क डन का फॉर्मुला होता है W इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। इलेक्ट्रिक वर्क डन का फॉर्मुला होता है, इलेक्ट्रिक वर्क डन, इसे तुम लोग फिजिक्स में पढ़ लोगे, क्यू इंटू वी। V इज पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, इलेक्ट्रिक वर्क डन मीन्स जो हमने बैटरी लगाई है उसका पोटेंशियल कितना है वो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाइड। Q इज चार्ज, जिस चार्ज को हम मूव करा रहे हैं, तो चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, ये होता है अपना इलेक्ट्रिक वर्क। चलो इसको पहले मैं इतना लिख लो, इसको मैं भेज दूंगा,
थोड़ा सा और बाकी है इसके आगे का, यहाँ तक कोई डाउट? तो यहाँ से अपने को एक कंडीशन मिल गई, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, v इज इक्वल टू e अपॉन v, v इज इक्वल टू v क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब अपने को इलेक्ट्रिक वर्कडन पता है, और तुम लोग ये भी पढ़ चुके हो वर्कडन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, ये भी तुम 10th क्लास में पढ़ चुके हो, वर्कडन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, वर्कडन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो एक वर्कडन है ये अपना q इंटू v, और एक वर्कडन है काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी मतलब k फाइनल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है। तो ये हो गया q इंटू v, और ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जीरो, क्योंकि इनिशियली तो इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर थे ना, जो कैथोड रे वो तो स्टार्ट ही नहीं हुई, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज जीरो एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ पे मतलब इक्वेशन क्या बन गया, देखना q into v is equal to half mv square, अब v की जो वैल्यू हमने निकाली थी e upon b, उसको पुट कर दो, तो q v is equal to 1 by 2 m e upon b whole square, ठीक है। अब q क्या है, q is charge of electron, इसको तो यहां से आ गया अपना q upon m, इस m को इस साइड ले आओ, बाकी सबको इस साइड ले आओ, तो q upon m is equal to e स्क्वायर अपॉन टू वी बी स्क्वायर, इसी को अपन e अपॉन m लिख देते हैं, e स्क्वायर अपॉन टू वी बी स्क्वायर, देखो ये रिजल्ट आ गया, ये फॉर्मूला है। अब पूरा एक्सपेरिमेंट हमने खुद किया है, पूरा एक्सपेरिमेंट हमने खुद किया है, तो वी नो वैल्यू ऑफ e, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कितना लगाया हमें पता है, हमने पोटेंशियल कितना लगाया वो भी हमें पता है, हमने मैग्नेटिक फील्ड कितना लगाया वो भी हमें पता है, तो ये सारी वैल्यू हमें पता है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है 1.75 × 10⁻¹ कूलम पर केजी। ये एक्सपेरिमेंट देखो, ये है, आई थिंक सभी को क्लियर है। यस सर। बोर्ड विजिबल है क्या? यस सर। ओके फाइन, ठीक है, तुम नोट कर लो उसको। कोई डाउट दोबारा समझाना है क्या, बोलो, कहीं कुछ दोबारा समझाना है, कुछ समझ नहीं आया हो तो बोलो, समझाता हूँ। हमने इसमें तीन चीजें यूज की हैं, पहली चीज दोनों फोर्स को इक्वल किया, इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स, वहां से हमने वेलोसिटी निकाल ली, और दूसरी कंडीशन क्या पुट करी है, वर्क डन, वर्क डन क्या होता है, वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, 10th क्लास में पढ़ चुके हो। और वर्क डन दो टाइप के हैं, एक होता है इलेक्ट्रिक वर्क डन और दूसरा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक वर्क डन होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल, ये पोटेंशियल कौन सा है, जो इलेक्ट्रॉन बीम को ऑसिलेट करा रहा है, जो हमने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में नीचे वोल्टेज लगाया था ना, वो है वी। ये वी कौन सा है, कैथोड रे में जो नीचे पोटेंशियल लगाया था, हाई वोल्टेज वाला वी है ये वाला पोटेंशियल है। क्यू इज चार्ज ऑफ कैथोड रे, तो q into v is work done हो गया, this is equal to change in kinetic energy, initial kinetic energy is zero, final kinetic energy is this, यहाँ पे हमने velocity of v put कर दिया, ये आ गया, यहाँ से q upon m की value निकाल ली, q is charge, charge means e, e upon m is this, solve करेंगे तो ये value आ जाती है, ठीक है, लिख लो, ठीक है। वैसे तुमसे कभी बोर्ड में ऐसे तो कभी पूछेंगे, लेकिन हाँ जेई और नीट में हो सकता है तुमसे ई अपन एम का फॉर्मूला पूछ ले, ई अपन एम का फॉर्मूला क्या होता है, या ई अपन एम की वैल्यू क्या होती है, याद रखना इसको स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं, ई अपन एम इज ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक चार्ज। तो ये हुआ अपना जे जे थॉम्सन एक्सपेरिमेंट पूरा कम्प्लीट, वो इस एक्सपेरिमेंट से ये वैल्यू अपने को मिली थी, ठीक है। अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट और है, उसको भी कर लेते हैं, गोल्डस्टीन एक्सपेरिमेंट। देखो गोल्डस्टीन ने जब यहां से अपने को पता चला कि कैथोड रे जो होती है वो नेगेटिव चार्ज होता है इनके ऊपर,
तो गोल्डस्टीन ने एक्सपेरिमेंट किया था जिसको अपन कैनाल रे एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। उसने बोला, क्या बोला उसने, कि अगर किसी गैस के अंदर नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इफ देयर एग्जिस्ट अ नेगेटिव चार्ज सो देयर मस्ट बी अ पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए, इसी प्रिंसिपल पे। हेलो, no sir, that Tirth was disturbing, like his mic was on. Please carry on, sir. Okay, okay. So Goldstein ka experiment kya hai? Goldstein experiment is also known as canal ray experiment. Theek hai, diagram same hai, डायग्राम सेम है, बस थोड़ा सा चेंज आएगा। डायग्राम ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा चेंज ये क्या था, जब ये नॉर्मल तरीके से एक्सपेरिमेंट करा था ना, तो इसका कोई कंक्लूजन नहीं मिल रहा था। कंक्लूजन इन द सेंस कुछ पता नहीं चला था कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन इसने क्या किया, इसने क्या किया कि कैथोड के अंदर होल कर दिए, कैथोड के अंदर होल कर दिए, इसलिए इसको बोलते हैं परफोरेटेड कैथोड। कैथोड के अंदर होल कर दिए थे इसने, ये है अपना परफोरेटेड कैथोड और ये अपना है एनोड, ठीक है। लॉजिक वही है सेम, हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज लो प्रेशर, ठीक है। और अंदर इनर्ट गैस रहती है जनरली, और यहां पर लगा दिया फ्लोरोसेंट मटेरियल, ठीक है। डायग्राम देख लो, सब कुछ है, मैं बस एक चीज इसने ये करा, जब इसने ये होल नहीं किए थे तो कुछ एक्सपेरिमेंट में समझ में नहीं आ रहा था कि कुछ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ नहीं दिख रहा था। लेकिन इसने क्या करा, बाद में होल कर दिए कैथोड रे में, जब होल करे तो कैथोड के अंदर, सॉरी कैथोड रे नहीं, कैथोड के अंदर जब होल करे इसने तो उसको उसके पीछे फिर ग्लो दिखाई दिया होल करने के बाद में, ठीक है। इसलिए इसका नाम कैनाल रे रखा जाता है। तो कैनाल रे जो रखा था वो इसलिए रखा जाता है, इसने होल कर दिया, होल से निकल के रे गई होंगी, इसलिए इनका नाम क्या रख दिया, कैनाल रे, ठीक है। तो लॉजिक क्या है, लॉजिक बहुत सिंपल है। इसने क्या बोला कि अगर नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो अगर नेगेटिव चार्ज है दैट मींस पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए। क्योंकि तो कोई भी गैस जो होती है, यहाँ पे इनर्ट गैस भी होती है, ठीक है, कोई इनर्ट गैस ली है इसने, इनर्ट गैस, तो अगर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज कहां से कहां ट्रेवल करता है, एनोड से कैथोड, और कैथोड में से भी जो होल है उन होल से अंदर निकल के पीछे की साइड में जो जिंक सल्फाइड की हमने लेयर लगाई है उससे जब स्ट्राइक करता है तो उसको ग्लो दिखाई दिया था, ठीक है। तो उसको लगा कि हाँ कुछ रे निकल रही है जो एनोड की तरफ से कैथोड की तरफ को ट्रेवल कर रही है, एंड कैथोड के पीछे ग्लो दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसको डायग्राम बना लो फटाफट, ठीक है। दो तीन पॉइंट्स है वही लिख लेते हैं, बाकी करेक्टरिस्टिक सेम है। जो करेक्टरिस्टिक्स हमने कैथोड रे के लिए लिखी हैं वही सेम यहाँ पर है, जो थोड़ा सा बस चेंज करते चले जाएंगे उनको। वहां पे लिखे थे कि कैथोड रे कैथोड से एनोड की तरफ को ट्रेवल करती है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैथोड एनोड रे मीन्स कैनल रे, कैनल रे ट्रेवल्स फ्रॉम एनोड टू कैथोड। वहां पे लिखा था नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, पॉजिटिव चार्ज होता है। वहां पर लिखा था कि वो नेगेटिव प्लेट की तरफ को बैंड हो जाती है, तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ को बैंड हो जाएंगी। इनमें भी मास एंड काइनेटिक एनर्जी होता है, बस ये कैथोड रे जैसे एक्सरे प्रोड्यूस करती हैं, ये एक्सरे प्रोड्यूस नहीं करती हैं, बस इतना लिखना है, ठीक है। और भी बहुत सारे पॉइंट्स है यार, कितने पॉइंट्स लिख सकते हो कैथोड रे भी, क्या बहुत सारे पॉइंट्स है, एक बार एनसीईआरटी और पढ़ लेना। कैथोड रे में हम ये भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि कैथोड रे जब किसी गैस से पास होती है तो उस गैस को आयनाइज करा देती है, मीन्स उसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे,
सेम पॉइंट एनोड रे के लिए ऐड कर सकते हैं. एनोड रे जब किसी गैस से पास कराते हैं तो वो गैस को आयनाइज कर देती है. ठीक है, चलो तो इसका मेन पॉइंट जो है वो लिख लेते हैं, बाकी सारे पॉइंट एक बार तुम खुद ट्राई करना, कल डिस्कस कर लेंगे. तो इसका कंसेप्ट क्या था, अकॉर्डिंग टू गोल्डस्टीन if atom is electrically neutral then there should be positive charge along with negative charge. ठीक है, ये इसने बोला और इसी के बेस पर इसका पूरा एक्सपेरिमेंट है. ठीक है, तो इसका भी कंक्लूजन क्या था, रिजल्ट क्या मिला था इसका, E upon m of proton की वाली यहां से निकली थी. ठीक है, तो नोट कर लो, आज के लिए इतना ही करते हैं. इसके जो पॉइंट्स बचे हैं वो अपन डिस्कस कर लेंगे. एक बार खुद से लिखने की कोशिश करना, ट्राई करना, लिख सकते हो, बहुत ही सिंपल है. प्रोटोन पॉजिटिव चार्ज होता है, बस ऐसे समझ लो, सारे पॉइंट्स को देख लेना. ठीक है, इसको कल डिस्कस करते हैं. और सर, यस बेटा बोलो. सर इसकी वीडियो लेक्चर अवेलेबल होगी ना? क्यों अभी समझ में नहीं आया तुम्हें? सर समझ में आया, लेकिन एक बार फिर से गो थ्रू कर जाऊंगा तो फिर से लिख पाऊंगा ना. अच्छा, वैसे मैं इसके स्क्रीनशॉट तुम्हें सारे शेयर कर दूंगा. ठीक है, कोशिश करो कि पहली बार में क्लास में समझने का. ये देखो अभी तो तुम्हें ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है, कि वीडियो से देख लेते हैं, बाद में नहीं मिलेगा ना. तो ट्राई करो कि पूरा फोकस क्लास के अंदर ही रहे. एक बार में जो चीज अच्छे से समझ में आती है वो बार बार में इतना जल्दी समझ में नहीं आएगी. बार बार में फोकस ही अपना बेकार हो जाता है कि एक बार में थोड़ा सा समझा, फिर दूसरी बार में थोड़ा सा समझा. एक ही बार में पूरा फोकस करो ना, कोशिश करो कि एक बार में अच्छे से समझ में आए अपने को. ठीक है, जो एक बार में अच्छे से समझ में आ जाता है ना, वो कभी भी अपन भूलते नहीं है. ठीक है, तो कोई डाउट हो वो कल डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, तो मिल जाएगा, एक बार चेक कर लेना, ये वीडियो तुम्हें मिल जाएगी. लेकिन आगे से ये ट्राई करो कि अपन जो भी समझे एक बार में अच्छे से समझे, और जो डाउट हो उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर ले. ठीक है, तो ये चीजें करते रहना. हाँ चलो, फिर कल मिलते हैं. ठीक है, बाय सर. बाय सर. बाय सर. बाय सर. ओके, बाय सर. थैंक यू.